मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। नमस्कार, बॉलीवुड ठिकाना में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद नहीं विश्वास ही है कि आपने बॉलीवुड ठिकाना को सब्सक्राइब कर दिया होगा और जो साइड में बेल आइकन होता है ना उसे दबाना मत भूलिएगा ताकि आपके पास हमारे सारे किस्से हमारे सारे शोज पहुंच सकें। आज मैं राजकुमारी लेकर हाजिर हूं क्लासिक किस्से बॉलीवुड ठिकाना पर। आज हम बात करेंगे कैसे सलीम खान ने बॉलीवुड को एक सुपरस्टार दिया तो दूसरा छीन भी लिया। कैसे, अभी बात करते हैं क्लासिक किस्से में। बात है 1969 की, जब राजेश खन्ना सुपरस्टार हुआ करते थे और उनके जो अदाएं थी वो कितनी मशहूर थी ये आप जानते ही हैं, कितनी फीमेल फॉलोइंग थी उनकी ये भी आप जानते होंगे, लेकिन हकीकत क्या थी, एज अ पर्सन वो कैसे थे ये हम आपको बताएंगे। फिल्म बन रही थी इत्तेफाक, जिसमें राजेश खन्ना साहब थे, जिसे बीआर चोपड़ा साहब प्रोड्यूस कर रहे थे और यश चोपड़ा डायरेक्ट कर रहे थे। उस फिल्म के बाद यश चोपड़ा साहब ने, जब उनकी शादी हो गई, उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होने लगे तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अपनी खुद की फिल्में बनाएंगे। यश चोपड़ा साहब ने जब खुद फिल्म बनाने की सोची तो उनके दिमाग में कहानी थी दाग फिल्म की। दाग वो बनाना चाहते थे लेकिन उन्हें कोई फाइनेंसर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा था। राजेश खन्ना साहब ने ये कहानी सुनी, उनका रिश्ता इत्तेफाक फिल्म चूँकि वो यश चोपड़ा साहब के साथ कर चुके थे तो उनका आपस में काफ़ी अच्छा रिश्ता था, तो उन्होंने दाग फिल्म साइन कर ली। राजेश खन्ना के दाग फिल्म साइन करते ही फाइनेंसर्स की लाइन लग गई। दाग फिल्म बनी जिसमें हीरोइन थी राखी और शर्मिला टैगोर। आप जानते ही हैं फिल्म कितनी मशहूर और मारूफ हुई, फिल्म के गाने कितने हिट हुए और राजेश खन्ना एक बार फिर स्टारडम की उन्हीं सीढ़ियों पर और ऊपर चढ़ गए। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। यश चोपड़ा साहब मनी मन बहुत शुक्रगुजार थे राजेश खन्ना के, क्योंकि अगर वो फिल्म के लिए हाँ नहीं करते तो उन्हें फाइनेंसर्स नहीं मिलते और बीआर चोपड़ा से अलग होने के बाद चूंकि ये उनकी पहली फिल्म थी तो उनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सब कुछ उन्हें खुद ही करना था। लेकिन दाग फिल्म राजेश खन्ना मान गए, उन्होंने फिल्म की और फिल्म सुपर हिट हुई जिसने यश चोपड़ा को एज ए डायरेक्टर एस्टैब्लिश कर दिया। यश चोपड़ा साहब इंडस्ट्री में अपने कदम जमा चुके थे। तब सलीम खान और जावेद अख्तर साहब एक बहुत ही बेहतरीन कहानी, एक प्लॉट लेकर यश चोपड़ा साहब के पास आए और उन्होंने कहा कि ये फिल्म बनाइए। यश चोपड़ा को कहानी बहुत पसंद आई और जैसा कि वो थे राजेश खन्ना के साथ, उनके रिलेशन थे, तो उन्होंने सोचा ये फिल्म भी मैं राजेश खन्ना को लेकर ही बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, सलीम खान साहब का राजेश खन्ना के साथ पास्ट में एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं था। हाथी मेरे साथी फिल्म में वो राजेश खन्ना के साथ काम कर चुके थे और उस फिल्म में जो राजेश खन्ना ने अपने टॉन्ट्रम्स दिखाए थे, जो शूटिंग के दौरान जो डायरेक्टर्स को प्रोड्यूसर्स को प्रॉब्लम्स हुई थी उन सब से सलीम खान साहब वाकिफ थे। तो उन्होंने यश चोपड़ा साहब को कहा कि मैं नहीं चाहता कि इस फिल्म में आप राजेश खन्ना को लें। यश चोपड़ा साहब राजेश खन्ना को मना करने में काफ़ी हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे लेकिन उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। तब उन्होंने कहा कि राजेश खन्ना नहीं तो फिर कौन। तब सलीम खान और जावेद अख्तर साहब ने यश चोपड़ा को कहा कि अभी एक हाल ही में नई फिल्म आई है बॉम्बे टू गोवा, जिसमें एक नए लड़के ने बहुत अच्छा काम किया है, आप उसे देखिए। वो फिल्म थी बॉम्बे टू गोवा और वो नया लड़का था अमिताभ बच्चन। यश चोपड़ा साहब ने वो फिल्म देखी और उसमें खास तौर पर एक फाइट सीन था अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच में, उसे देख कर यश चोपड़ा साहब काफी प्रभावित हुए। और फिर उन्होंने सलीम खान और जावेद अख्तर साहब के कहने पर अपनी फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन को एज अ लीड रोल लिया। उसके बाद द रेस्ट इज हिस्ट्री। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माल। अमिताभ बच्चन ने दीवार में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी, साथ में शशि कपूर भी थे। उसके बाद यश चोपड़ा और अमिताभ की जो जोड़ी बनी तो उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी, कभी कभी त्रिशूल, सिलसिला और काला पत्थर।
सभी माइलस्टोन्स हैं और अमिताभ बच्चन सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते गए और दीवार फिल्म से उन्हें एंग्री यंग मैन की इमेज मिली जो आज तक कायम है। देयर इज नो अदर एंग्री यंग मैन लाइक अमिताभ बच्चन। अगर सलीम खान अमिताभ बच्चन को रिकमेंड नहीं करते तो शायद राजेश खन्ना कुछ साल और इंडस्ट्री पर राज करते, लेकिन किस्मत में अमिताभ बच्चन का सितारा बुलंद होना लिखा था। इसके बाद कई फिल्में हिट हुई जो यश चोपड़ा साहब के साथ अमिताभ बच्चन ने की और राजेश खन्ना का करियर ढलान पर आ गया। मेरी किस्मत और वक्त मेरा मजाक उड़ाते। क्लासिक किस्से में आज हमने बात की सुपरस्टार्स की, कैसे एक सुपरस्टार गया और एक आया। ऐसे ही कुछ और किस्से लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, और हाँ, बॉलीवुड ठिकाना को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।